नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि 1400 साल पुरानी है, और इसकी तुलना अगर हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करें तो वो तो सिर्फ 900 साल ही पुरानी है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि प्राचीन भारत का नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षा केंद्र था, जहां दुनिया से लाखों की तादाद में स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए दिन आया करते थे। पर फिर भी ये विश्वविद्यालय क्यों जला, आखिर हुआ क्या था इस विश्वविद्यालय में? सात सौ साल की लंबी यात्रा के बाद 12वीं शताब्दी में एक शख्स जिसका नाम है बख्तियार खिलजी, तो यही था वो शख्स जिसके कारण नालंदा जली। तो आखिर इसने क्यों जलाया था नालंदा विश्वविद्यालय को? और अगर हम इतिहासकारों की माने तो यहाँ एक नहीं पूरे तीन तीन अटैक किए गए थे, और तीसरे अटैक के बाद नालंदा विश्वविद्यालय उठ ही नहीं सका। तो सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत शायद थोड़ा पीछे रह गया, जो बहुत ही आगे जा सकता था, और साथ में पूरी दुनिया भी बहुत आगे जा सकती थी। तो बात करेंगे हम आज उसी नालंदा विश्वविद्यालय की। सो हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल ट्रिपो बाबा। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ही सही होंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू नालंदा यूनिवर्सिटी, और क्योंकि ये बिहार में है और मैं झारखंड से हूँ, झारखंड में मैं हजारीबाग से हूँ, तो मेरे घर से ये 170 किलोमीटर है अप्रॉक्स, और जिसके लिए मेरे को टाइम लगभग 4 घंटे लगेंगे। तो निकल चुका हूँ मैं विथ माय मेट्योर 350। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज यू गोना फाइंड इट वेरी इंफॉर्मेटिव, क्योंकि मैं आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा एंड व्हाई इट वाज अटैक्ड, और आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ यू कैन रीच टू नालंदा यूनिवर्सिटी। तो मैं अपने घर से मॉर्निंग में लगभग 6 बजे निकला था, और एज आई एम फ्रॉम झारखंड हजारीबाग, तो हजारीबाग से ये 172 किलोमीटर है, और जिसके लिए मुझे मतलब मेरे को 3 hours 55 minutes लगभग 4 घंटा लगने वाला था। तो इट वाज क्वाइट इजी फॉर मी, क्योंकि 172 किलोमीटर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और बाइक से आप इजीली राइड कर सकते हो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोंगा वगैरह अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे जो टुक टुक होता है ना ज़्यादा नहीं चलता, उसके कंपेरिजन में जो ये घोड़ा गाड़ी है ये ज़्यादा ही चलता है, दोनों में कॉम्पिटिशन चलता रहता है। सो यू कैन सी आई हैव रीच्ड नालंदा यूनिवर्सिटी एंड दिस इज़ द बुकिंग ऑफिस, और जो कॉस्ट था यहाँ टिकट का वो ऑलमोस्ट इट वॉज 30 rupees पर हेड। सो नालंदा यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। एक्चुअली बिहार में दो हैं ऐसे, एक जो बुद्ध भगवान का महाबोधि टेम्पल है, और दूसरा है नालंदा यूनिवर्सिटी। सो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, और आप देख सकते हो ये फोटोज़ जो बने हुए हैं, फोटो गैलरी आगे में रास्ते में लगा है। हेयर यू कैन सी द टैग, मतलब कि बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये शायद 15 जुलाई 2016 को ये जो ऑनर है ये इस यूनिवर्सिटी को मिला हुआ था, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट नालंदा। तो आपको ये मैं आराम से धीरे धीरे बताऊंगा। सो अब बात करते हैं हाउ यू कैन रीच टू नालंदा यूनिवर्सिटी। सो बात करेंगे अगर बाय एयर, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ एट पटना विच इज़ 89 किलोमीटर, एंड इफ़ बाय ट्रेन देन राजगीर रेलवे स्टेशन विच इज़ 12 किलोमीटर, और गया भी यहाँ से 95 किलोमीटर है। और अगर आप बाय रोड आना चाहते हो तो ये वेल कनेक्टेड है बाय रोड, जो कि मतलब राजगीर यहाँ से 12 किलोमीटर है। बेसिकली ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये राजगीर से ये 12 किलोमीटर है, बोध गया से 110 किलोमीटर है, और गया से 95 किलोमीटर है, और पटना से ये 80 किलोमीटर है। और अगर लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ टैक्सी वगैरह मिलेगा नहीं, पर वो जो टुक टुक गाड़ी है वो मिलेगा,
और मोस्टली साइकिल रिक्शा और जो टोंगा है वो अवेलेबल बहुत ही रहेंगे, तो आपको मज़ा भी आएगा घोड़ा गाड़ी में। नहीं, हमारे साइड घोड़ा गाड़ी ऐसे बोलते हैं ना। बहुत बुक था, हजारों लाखों में बुक था। तो नालंदा नालंदा तो हम कर रहे हैं, पर इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली? अगर इसको हम तोड़ें तो ये ना अलमदा ऐसा होता है, जिसका मीनिंग है नॉन स्टॉपिंग ऑफ द गिफ्ट ऑफ नॉलेज, मतलब कि ज्ञान का जो धारा है वो बहता रहे, सबको मिलता रहे। तो आप नाम से ही देख सकते हो कि कितना सही मीनिंग था। बाकी यहाँ पे फॉरेन के कंट्री से हजारों की तादाद में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और बात करें अगर हम चाइना, कोरिया, श्रीलंका, पर्सिया, मतलब ऐसे बहुत सारे कंट्री से जहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पे आया करते थे। और अप्रॉक्स 10,000 मॉन्क्स थे यहाँ पे और 2,000 टीचर्स थे। और सम प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो हर्षवर्धना, नागार्जुना जैसे स्टूडेंट यहाँ के मतलब विद्यार्थी रह चुके हैं। और आर्यभट्ट जो कि आप जानते ही होंगे वॉज द हेड ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो आप इससे पता लगा सकता है कि इस यूनिवर्सिटी का ओहदा क्या था उस वक्त पे। तो आप बात करते हैं कि यहाँ पे पढ़ाया क्या जाता था। तो अप्रॉक्सीमेटली एवरीथिंग वॉज बिंग थॉट हियर, स्टार्टिंग फ्रॉम लिटरेचर, फिलोसफी, मेडिसिन, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, हर कुछ का ज्ञान यहाँ पे दिया जाता था। अगर आज किसी से पूछा जाए कि आपको पढ़ने का अगर मौका मिले तो कौन से विश्वविद्यालय में जाओगे, तो मतलब जवाब में मिलता है कि मैं ऑक्सफोर्ड जाऊँगा या कैम्ब्रिज जाऊँगा। पर उस वक्त 800 साल पहले एक ऐसा दौर था जब दुनिया भर के लोग भारत के यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे, मतलब बाकायदा संस्कृत सीखते थे। उस वक्त दरवाजे पर खड़े रहते थे लेकिन एडमिशन नहीं मिलता था, बस कुछ 5-10% जो छात्र थे उनको ही एडमिशन मिलता था। और उनका एक्चुअली इंटरव्यू लिया जाता था जो गेट है वहाँ पे। और इंटरव्यू लेता कौन था, तो द्वारपाल जो होता था, मतलब वो इतना नॉलेजेबल था कि वो इंटरव्यू लेता था। और उस इंटरव्यू में अगर आप पास होते हो तो ही आपको मौका मिलता था नालंदा में अंदर जाने का, और उसके मतलब जो लाइब्रेरी में एंटर करने का भी इवन। और जो लाइब्रेरी है उसमें माना जाता है कि लाखों की तादाद में किताबें थी, और दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी उस वक्त तो वही था। तो आप देख सकते हो फॉरेन से काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते रहते हैं, मोस्टली ये म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और इवन यूरोपियन कंट्रीज से भी बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। So now we will talk about the attacks which were done on Nalanda University. तो यहाँ पे एक अटैक ही सिर्फ नहीं हुआ था, मतलब जो बख्तियार खिलजी ने किया था उसके पहले भी 2-3 अटैक्स हुए थे, पर उसका इम्पैक्ट वैसा नहीं पड़ा था। पर जो बख्तियार खिलजी ने किया था वो कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्टफुल था, जिसके बाद मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी कभी मतलब इतना वो हो ही नहीं सका, वो कभी रिनोवेट हो ही नहीं पाया। ऐसा अटैक बख्तियार खिलजी ने किया था, एक्चुअली उसने पूरे यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी थी। और वो जो आग जली थी वो 1 महीने तक जली थी। और जो बुक्स थे, जो लाइब्रेरी थी, माना जाता है कि 90 लाख से भी ज़्यादा बुक्स थे यहाँ पे, और उनको जलने में 3 महीने लगे थे। आप सोच सकते हो कितने सारे बुक्स, कितना ज्ञान था यहाँ पे। तो अब बात करते हैं कि बख्तियार खिलजी ने टारगेट क्यों किया, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी को ही क्यों टारगेट किया। वैसे तो हम जानते हैं कि मुगल्स भारत आए, यहाँ पे उन्होंने अटैक किया, रूल किया, कुछ बस गए, कुछ चले गए, पर सिर्फ नालंदा को टारगेट क्यों किया, इसके पीछे भी एक रीज़न है। एक्चुअली बख्तियार खिलजी बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया था, और उस वक्त उसने सारे हुकूमों से मतलब सारा तरह का उपचार करवा लिया था, और उसको पर भारत के किसी मतलब जो भारतीय है, हिंदू है, उससे उसको उपचार नहीं करवाना था।
पर वो लास्ट में ठीक नहीं होता है, तो उसको फिर हकीम ही सलाह देते हैं कि आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र जी से ही उपचार करवाएं। पर वो राहुल भद्र जी को बुलवा तो लेता है, पर एक शर्त देता है कि वो हिंदुस्तानी दवा का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य हत्या करा देगा। तो अगले दिन आचार्य जी उसके पास कुरान लेके जाते हैं और कुरान के पेजेस में वो दवा रख देते हैं और बस उसको बोलते हैं कि कुरान पढ़ने के लिए। तो वो पढ़ लेता है कुरान और ठीक हो जाता है। तो बस यही चीज़ बख्तियार खिलजी को पचता नहीं है कि एक हिंदुस्तानी दवा कैसे मुझे ठीक कर सकता है। इनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है, मुग़लों के पास नहीं है और इनके पास है। तो बस इस चीज़ का वो बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने पूरे यूनिवर्सिटी में ही आग लगवा दिया। और इवन जो वहाँ मॉन्क्स थे और जितने टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, सबको मरवा भी दिया। सो दिस वॉज द रीज़न वाई ही अटैक्ड नालंदा। और इसका इम्पैक्ट तो आप देख ही सकते हो, पूरे भारत पे पड़ा है, पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया पे पड़ा है। और कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड है थोड़ी पीछे तो चली ही गई है ड्यू टू हिज एरोगेंस और उसके ईगो की वजह से। बस हॉस्टल था मॉक्स का, सिक्स ओवन ड्रेन भी था देखो डिस्पोजल ऑफ वाटर के लिए। हॉस्टल है ये, तो हम लोग जहाँ अभी एंटर कर रहे हैं वो हॉस्टल था मॉक्स का। मॉक्स बीच में कुआं है, वही है ड्रेनेज सिस्टम का, वही है ये वाला इनके हॉस्टल रूम। और ये देखो नहीं कितना सारा रूम है, क्या सही था यार पहले तो। चोर गली भी है, ये बॉटल यहीं फेंक दिया यार के लो। इसमें चलते हैं। एक रूम के अंदर फिर दूसरा रूम। बॉनी ऐसे ही सोते होंगे, बेड तो होगा नहीं, जमीन पे ही सोते थे मॉक्स के। हॉस्टल है ये, कितने कमरे हैं इसमें? कितने 36 कमरे। चलो ड्रेनेज थोड़ा देखते हैं कैसा है। ड्रेनेज यहाँ पे लगता बैठते होंगे पत्थर पे, कुआं भी है। पता नहीं क्या है, गड्ढा है अभी तक पानी वाली कुछ नहीं है। ये क्या है, कनेक्टेड है सारा। और ऐसा ऐसा कितना सारा हॉस्टल है, सारा डिस्ट्रॉय कर दिया खिलजी भैया, ठीक नहीं किए तुम। स्टेयर्स भी है बताओ, इसका मतलब ऊपर भी होगा और टूटे हुए ऊपर के, मतलब काफी बड़ा था ये, इतना वास्ट है यार ये। इनके रैक्स इतना ऐसा जगह है अंदर घुस के। मतलब 10 से भी ज्यादा है वो लास्ट में, फिर यहाँ एक
अरे हाँ, फिर वहाँ सारा हॉस्टल ही है, इतना सारा, और एक का कैपेसिटी तो देखा ही, इतना इतना।